श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं नहीं बजा माननीय मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं श्रीमान बहुत अच्छी बात हुई और सभी लोगों ने लगभग तथ्यगत बात कही बिल का समर्थन भी किया कुछ बातें जिस पर आशंकाएं हुई स्वाभाविक है पक्ष और प्रतिपक्ष की होने के नाते वो विषय आते हैं मुझे लगता है कि मान्यवर हम लोगों को वहां जाना चाहिए जब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी विवादों के निस्तारण में मध्यस्थता का वैश्विक केंद्र बनाने की बात करनी चाहिए और भारत को करनी चाहिए हम सभी लोगों को ध्यान होगा समाचार पत्रों में भी आया कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा एक मीटिंग के अंतर्गत कि मोदी है तो संभव है मुमकिन है मुमकिन है यह क्यों कहा इस नाते कहा कि भारत आज पूरे विश्व में आगे बढ़ता हुआ एक देश है भले ही विकासशील देश रहा हो लेकिन आज वो अविकसित देश बनने की तरह पूरी क्षमता के साथ बढ़ रहा है कहीं भी उसमें रुकावट नहीं है मंत्री जी इस बिल को लाए मैं ये कहूं कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को सहज बनाने लागत सक्षम बनाने और मामले के शीघ्र निष्पादन और मध्यस्थता करने वाले की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम जो 1996 में बना था 2015 में उसका संशोधन ही हुआ और आज मैं ये कह सकता हूं कि जैसे महेश पोद्दार जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कई बातें ऐसी कही जो हमारे देश में प्रचलित संस्थानों के द्वारा भी न्याय व्यवस्था की स्थिति रही अब यहां कई विषय उठे तो एक बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा नाम लेना उचित नहीं होगा बहुत सीनियर लोग हैं जिनका नाम मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के द्वारा लेना उचित नहीं है फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि इनकम टैक्स है इनकम टैक्स के अगर ये स्थिति को देखा जाए तो तीन स्तरों पर अपील जो होती है वो सरकारी अधिकारी ही रहते हैं बाद में उसके ट्रिब्यूनल की स्थिति आती है आज जो ये संशोधन विधेयक आया वह इस आधार पर ही तो आया कि उसमें देरी की प्रक्रिया लगती है और इस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्पष्ट अपना निर्णय दिया है और ये कहा कि कभी कभी की स्थिति होती है अधिकांश ये स्थिति होती है कि सेवानिवृत्त जजेस समय अधिक ले लेते हैं और कभी कभी तो पूरा का पूरा एक सत्र जो दिया जाता है वह केवल तारीख लेने में खत्म हो जाता है तो इस नाते ये जो समय तय सीमा तय की गई कि एक वर्ष के अंदर निश्चित रूप से इसका होना चाहिए अधिक से अधिक फिर 6 महीने उसको बढ़ाया जाए समय 6 महीने उसको बढ़ाया जाए तो बढ़ाने का क्रम यह हुआ कि भारत आज जब अर्थव्यवस्था के रूप में एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जब यह कहा गया कि हम 6वीं अर्थव्यवस्था के रूप में है विश्व में 5वीं आगे बढ़ने की तरफ है और आगे बढ़ेंगे ईज इन डूइंग में बिजनेस में जो 142वें से 77वें स्थान पर आ गए हैं तो हर दृष्टि से भारत को आगे बढ़ करके के उसका श्रेय लेना चाहिए एक दृष्टांत मैं देना चाहूंगा माननीय
भोपाल गैस कांड इस देश में हुआ था, 50वीं बरसी बन गई, हर बरसी पर लोग जाकर के मोमबत्ती जलाते रहे। अमेरिका में अदालत होने के नाते यहाँ के लोगों का न्याय नहीं मिल पाया, मुआवजा नहीं मिल पाया, पीढ़ी की पीढ़ी जाती रही, लेकिन वह केवल और केवल मोमबत्ती जलाती रहे। और आज की स्थिति में अगर हम अपने देश में अपने उन विवादों का जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अगर उन विवादों को पूरी तौर पर सुलझाने के लिए, समझाने के लिए अगर इस प्रकार की संस्था को एक रोल देते हैं, तो यह अच्छा कदम भारत सरकार का होगा जो माननीय मंत्री जी ने लाया है। अभी यह विषय आया, खर्चा कितना होता है। जब एक बात यहां आ रही थी कि कितने डॉलर सिंगापुर के एक लोग कमाते हैं, कितना वहां की संस्था कमाती है, कितना पेरिस की कमाती है, अरे भारत में ही मान्यवर एक उच्च न्यायालय को निर्णय देना पड़ा। इस नाते एक जज को अपॉइंट किया गया था और उस जज ने एक मध्यस्थता में 75 लाख रुपए लेने की बात कही तो उसको रद्द करना पड़ा था, रद्द करना पड़ा था। राजस्थान हाईकोर्ट का ही एक निर्णय है जिसको जो है उन्होंने रद्द किया था। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया तो सुलभ और सरल बनाने की चल रही है, सुलभ और सरल बनाने की चल रही है। माने मैं कहना चाहूंगा, आर्थिक प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की, तो स्वाभाविक रूप से है अगर कानूनी प्रक्रिया को हम ठीक से नहीं लेंगे तो उस आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और इस नाते इस बात को पूरी तौर पर कहा जा सकता है कि यह जो दोनों विधेयक है, साफ साफ ये दर्शाते हैं कि हम जो भी बिजनेस सेंटर से जुड़ा हुआ है वह एडीआर के क्षेत्र में, यहां कहा गया है कि कहां से लोग मिलेंगे, कहां से लोग मिलेंगे जिनसे हम न्याय कराएंगे, जिससे पंचायत करा सकेंगे। तो उसके संदर्भ में भी माननीय मंत्री जी ने जो अपने विधेयक में दर्शाया है, उस दर्शाने के आधार पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर के ट्रेंड करेंगे और ट्रेंड करने के बाद निश्चित रूप से वह इस प्रकार से सक्षम हो जाएंगे कि यहां मध्यस्थता की प्रक्रिया में पूरी तौर पर न्याय का ये दे सकेंगे। देरी की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी नहीं है देरी। जो लोग भी बिजनेस से जुड़े हुए रहे हैं, सिंगापुर और यूपीओ संस्थाओं पर तब ध्यान देते थे जब उनको यह लगता था कि भारत में न्याय नहीं मिलेगा, कहा यहां भी लेकिन नहीं मिलता था। मैं छोटी छोटी बात कहूं, एनसीएलटी में लोग जाते हैं, एनसीएलटी में उनको न्याय नहीं मिल पाता है, एनसीएलटी में न्याय नहीं मिल पाता है। जो बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो बैंकिंग से में जिस प्रकार की स्थिति आई, इस देश के बैंक क्यों डिफंक्ट हुए, क्यों इस प्रकार से एनपीए की स्थिति आई, कभी इस विषय पर विचार किया गया कि इस देश में एनपीए क्यों इतना बढ़ा। जो लोग एनसीएलटी में गए, घर द्वार उनको बेच देना पड़ा, उसके बावजूद भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में घिसती रही। मेरे सामने एक दृष्टांत आया था, हरियाणा की एक महिला जिसका घर बिकने की स्थिति आया था, बड़े मुश्किल से बात कर करके मैं किसी तरह से उसका घर रखवा पाया। यह वित्त राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए मैंने देखा था कि किस प्रकार से इस देश में लोगों ने इस प्रकार की स्थिति अपनाई है, तब उसका घर बचा था। और आज जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा फैसला लिया जाता है तो सिर्फ इस बात पर सवाल कर देते हैं, सब ठीक है, लेकिन ये अधिकारी क्यों आ रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह सकता है कि महंगा न्याय नहीं मिलना चाहिए, महंगा न्याय अगर वह लोग आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो,
वो आएंगे तो आने के बाद कोई ऐसा विषय पैदा कर देंगे जिसके नाते वो खींचता जाएगा और एक एक सत्र पूरा का पूरा केवल तारीख लेने में मिल जाएगा, तब तो फिर इस प्रकार का जो माननीय मंत्री जी ने विधेयक लाया उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि यह त्वरित दृष्टि से मध्यस्थता को सुलभ और सरल बनाने के लिए ये लिया गया है। कोई खुलने की बात नहीं मानोर, मैं बहुत साफ शब्दों में कहूं, अभी एक दस मिनट हो गए, बस सर कर दे रहा हूं, तुरंत कर दे रहा हूं। आपकी घंटी मुझे प्रेरित कर, मेरी घंटी नहीं है, सदन की घंटी है, सदन की ही घंटी कर देती है। आप सब के मन में ये कहूं कि ये बस एक मिनट, नया सेक्शन इसमें जुड़ा है 42 से जोड़ने का प्रस्ताव, ताकि मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति या मध्यस्थता संस्थान निर्णय के सिवा मध्यस्थता से जुड़ी कार्य को गोपनीय बनाए रखी जाए। तो यहां एक बात आई थी कि खुल न जाए कहीं केस और लोगों का हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि इस सदन में बहुत सकारात्मक चर्चा आज हुई है और उस चर्चा को हम जरूर माननीय मंत्री जी से ही कहना चाहेंगे कि अगर उसमें कोई कमी रह गई हो तो उन विद्वान लोगों से भी, उनके बिंदुओं को लेकर के उसको जोड़ करके भी अगर इस बिल को पूरा करना हो तो जरूर करें। लेकिन भारत अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए भारत को गति देने की आवश्यकता है, इस नाते मैं सदन को सभी कहूंगा कि इस प्रकार के बिल को पास करें।